इस आचार संहिता के 15वें अध्याय में ये स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि जिस राज पुरोहित का उसकी पत्नी ने परित्याग कर दिया है उसे दूसरा विवाह करने से पूर्व उन पंच तत्वों से क्षमा याचना करनी होगी जिन्हें साक्षी मानकर उन्होंने प्रथम विवाह किया था। इसे क्षमा व्रत कहा जाता है। अरे ऐसा कोई समाधान नहीं है ग्रंथ में। शास्त्री जी अपने मन से बोल रहे हैं क्षमा व्रत। महोदय आप स्वयं ही इस 15वें अध्याय का अध्ययन करें और इन्हें बताने का कष्ट करें कि इसमें क्या उल्लेखित है। शास्त्री जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें क्षमा व्रत के बारे में विस्तार से बताया गया है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि राज पुरोहित इतना कठिन व्रत करने के लिए तैयार है? कुछ भी कहने से पहले व्रत की विधि सुन लीजिए। शास्त्री जी आपने स्वयं ही इस समस्या का समाधान निकाला है, अब आप ही अपने दामाद को बता दीजिए कि उस व्रत को कैसे रखा जाए। देव बाबू आपको पंच तत्वों से क्षमा याचना करनी होगी, अर्थात धरती, वायु, गगन, जल और अग्नि। ईश्वर का रथ सजाना होगा और उसे अपने शरीर से खींचते हुए 5 मंदिरों की परिक्रमा करनी होगी। धरती से क्षमा याचना के लिए आपको धरती पर नंगे पैर चलना होगा। गगन से क्षमा मांगने के लिए आपको परिक्रमा पूर्ण होने तक घर से बाहर खुले गगन के नीचे सोना होगा। वायु से क्षमा याचना के लिए आपको केवल वायु पर जीवित रहना होगा, अर्थात निर्जला व्रत रखना होगा। अग्नि से क्षमा याचना करने के लिए आपको समस्त मंदिरों में दीप प्रज्वलित करने होंगे एवं जल से क्षमा याचना करने हेतु आपको अपने रथ में जल से भरे हुए कलश रखकर प्रत्येक मंदिर में ईश्वर का अभिषेक करना होगा। ये समस्त विधियां आपको 3 दिवसों तक प्रत्येक दिवस सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक पूर्ण करनी होगी। कहिए देव बाबू, अब आप इस कठिन व्रत को करने के लिए तैयार हैं? मुझे ये क्षमा व्रत करना स्वीकार है। युवराज पुरोहित जी, युवराज
का आदमी के जीवन मरण का प्रश्न और जय जय चिल्लाए जा रहे हैं। क्या बात हुई शास्त्री जी, आप अपना बेटी के सुख के लिए देव बाबू को इतने कष्टों का सामना करने के लिए कह रहे हैं? चाची माँ, भाभी जी, रोकिए देव बाबू को। इतना कठिन व्रत देव बाबू नहीं कर पाएंगे, कल को कुछ ऊंच नीच हो गया था। मैं अपना फैसला ले चुका हूँ चाचा जी। अपने परिवार के सम्मान के लिए मैं किसी भी तरह का कष्ट उठाने के लिए तैयार हूँ। अगर मैंने राधिका से शादी के लिए हाँ कही है तो इस कठिन व्रत से डरकर मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ? मेरे परिवार ने शास्त्री जी को जो वचन दिया है उसे मैं टूटने कैसे दे सकता हूँ? राज पुरोहित के कर्तव्यों में वचन निभाना सबसे जरूरी माना जाता है और मैं वही कर रहा हूँ। बेटा, नहीं माँ, मुझे मत रोकिए। अगर आप मुझे रोकने के बजाय जो मैं कठिन व्रत करने जा रहा हूँ उसके लिए आशीर्वाद देंगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। मैं कल के सूर्योदय से, अपना एक क्षमा व्रत, करने के लिए तैयार। मुझे आज्ञा दीजिए। सुनिए, मत कीजिए कठिन व्रत। आपके लिए 3 दिन बिना अन्न ग्रहण किए व्रत खींचना, वो भी इतनी दूरी पर बने हुए मंदिरों के लिए, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र करते हुए देखकर अब मुझे फिर से यकीन हो गया कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तुम्हारी बातों से मेरा हौसला बढ़ गया है राधिका। तुम्हारा साथ पाने के लिए मैं हर इम्तिहान से गुजरने के लिए तैयार हूं। तुम्हें अपना बनाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं राधिका। मैंने तुम्हें अपने घर की छोटी बहू बनाने का जो सपना देखा है वो सच होकर ही रहेगा। चाचा जी, मैं सोच रही थी कि अगर देव ये व्रत पूरा करने में सक्सेसफुल हो गया तो। अरे बड़ी बहू, कोई हलवा है का? हाथ में उठाया और खा लिया गप से। हलवा तो हमारा बन जाएगा चाचा जी। इनफैक्ट मजाक भी हमारे ही साथ हो रहा है। पहले वो विशाखा ने डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिया, फिर ये शास्त्री जी, पता नहीं वो क्या कहते हैं, क्षमा हो रहा है, वो व्रत लेकर आ गया। इसीलिए डर लग रहा है कि अब अगर देव ये व्रत पूरा करने में सक्सेसफुल हो गया तो। बड़ी बहू, अरे मलमल पर चलने वाला व्यक्ति 3 दिन तक तपती धूप में नंगे पांव सड़क पर चल पाएगा? बोलो। जिसका सूटकेस ब्रीफकेस भी नौकर चाकर उठाते हो, वो आदमी इतना भारी भरकम रथ अकेला खींच पाएगा? सही कह रहे हैं, बिल्कुल बाबूजी, बिल्कुल सही। इम्पॉसिबल केस लग रहा है। 20-20 किलोमीटर की दूरी पर जो 5 मंदिर बने हैं वो तो छोड़िए, दूर की बात है बाबूजी। हमें क्या लगता है कि वो 20 कदम भी नहीं चल सकता है। सही ना कह रहे? सुने,
तुम तो चैन से बैठो और बंसी बजाइया की तरह चैन से बैठकर बंसी बजाओ। चलो बैठो। बहुरिया सही कह रही है लल्ला, दामाद बाबू पर बड़ा अत्याचार हो रहा है। भगवान स्वयं ही इतने रोड़े डाल रहे है, इसका मतलब भगवान की इच्छा ना है कि ये शादी हो। भगवान इस शादी के खिलाफ हैं। अम्मा, यदि ईश्वर इस विवाह के विरुद्ध होते तो वो स्वयं मुझे समस्या का समाधान नहीं बताते। अब जब उन्होंने हमें मार्ग बता दिया है तो हमें उस पर अवश्य चलना होगा। ई छोरी की छाया जिस पर भी पड़ जावे ना, उके भाग में दुख ही दुख होवेगो। दामाद बाबू ने इके साथ ब्याह करने का सोचा ही और इतना दुख टूट पड़ा उनपे। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे। लल्ला, तो को दामाद बाबू का इतना सा भी ख्याल ना है, इतना कठिन व्रत तूने उनको बताया ही का है। कैसन कर पावेंगे वो, आधे में छोड़ देवेंगे। जान हलकान होगी वो अलग और मन खराब होवेगा वो अलग। नहीं कर पावेंगे दामाद बाबू ये व्रत, हम कह रही हैं। अम्मा, वो एक राज पुरोहित है, मुझे गर्व है उन पर और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो व्रत को अवश्य संपन्न कर पाएंगे। उनके चेहरे पर सूर्य के समान तेज है, उनकी भुजाओं में वायु के समान बल है और उनके मन में धरती के समान धैर्य और दृढ़ निश्चय, वे अवश्य सफल होंगे। पर अल्लाह, देवकी जी, अम्मा को चाय पिलाइए। मैं स्नान करके आता हूं। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। ये जो कुछ भी हो रहा है खाना, इन सब की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। मेरी वजह से उन्हें इतना कठिन व्रत निभाना पड़ेगा, मेरे कारण उन्हें ये सब दुख उठाने पड़ रहे हैं काना। मैं उन्हें परेशान होते हुए नहीं देख सकती काना। नहीं, माँ, माँ, क्या हम उन्हें ये कठिन व्रत करने से रोक नहीं सकते? वो ऐसे पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं जो उन्होंने किया ही नहीं है। नहीं माँ, उन्हें ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं, हम जाकर सबको सच बताएंगे। माँ, अगर हम जाकर सबको सच बता देंगे तो उन्हें ये कठिन प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं होगी। माँ, बिटिया, तेरी तरह मैं भी इसी दुविधा से जूझ रही हूँ। एक तरफ तेरे बाबूजी का सम्मान है तो दूसरी तरफ मेरे दामाद का मान, एक तरफ तेरे बाबूजी का जीवन है बिटिया तो दूसरी तरफ मेरे दामाद का कष्ट। पर बिटिया, मैं तेरे बाबूजी का जीवन संकट में नहीं डाल सकती, उन्हें सच पता चल गया तो वो जी नहीं पाएंगे राधिका। इसलिए बिटिया, हम तो बस प्रार्थना कर सकते हैं कि
किसी तरह तेरे कान्हा तेरे पति को इतनी शक्ति दे। वो एक कठिन व्रत निभा पाए। बेटा, तू राज पुरोहित है, इसीलिए इतना कठिन व्रत रखना पड़ रहा है। अगर राज पुरोहित नहीं होता तो तुझे ये सब नहीं करना पड़ता। मैं अपने पूर्वजों की तरफ से तुझसे माफी मांगती हूँ, जिन्होंने इतने कठोर नियम बनाए, तुझे ये पालन करने पड़ रहे। नहीं दादी माँ, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पूर्वजों ने जो नियम बनाए हैं, मैं उनका पूरी तरह सम्मान करता हूँ। और दादी माँ, मैं जो करने जा रहा हूँ उससे तो पुण्य मिलता है ना, क्योंकि इससे सबकी जिंदगी में खुशियां आ जाएगी। यही कहा था ना मैंने सबसे। और दादी माँ, आपका आशीर्वाद तो मेरे सर पर हमेशा रहेगा, तो मुझे कोई तकलीफ हो ही नहीं सकती। माँ, विजयी भव। बाबूजी, मैं अपना व्रत प्रारंभ करने के लिए तैयार हूँ। हाँ बेटा, आरंभ करो। शीघ्रता करोगे तो पांचों मंदिरों की परिक्रमा समय पर पूर्ण कर पाओगे। आरंभ करो। जी। कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय। अम्मा जी, अब तैयार है ना? घाट चलना है, देर हो रही है। का देखन जाना है घाट पे? यही ना कि कैसन ही व्रत करके दामाद बाबू राधिका के साथ ब्याह करने की अनुमति ले रहे हैं। और विशाखा का अधिकार राधिका को सौंपन के लिए कैसे पिस रहे हैं? हम तो यहीं बैठ के जाप कर रही हैं कि देव बाबू ई काम में सफल ना हो पाए। ये आप किस तरह की बात कर रही हैं अम्मा जी? हम राधिका को वो अधिकार सौंपने जा रहे हैं जो हमने उस बेचारी से छीन लिया था। जिस बच्ची ने हमारे लिए कितना कुछ किया, क्या हम उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते? अच्छा, ऐसा का किया है वो छोरी ने? हम भी तो सुने। अम्मा जी, राधिका ने जो त्याग किए हैं, क्या उन्हें गिनाने की आवश्यकता है? आप तो जानती हैं अम्मा जी, उस बेचारी ने हमेशा विशाखा की खुशियों के लिए अपनी खुशियों का गला घोंटा है। तो कोई एहसान ना कियो है? की करने उको आश्रय दियो है, नाम दियो है, खाना पानी दियो है, उकी एवज में काऊ छोरी इतना सा भी ना कर सकते? आप चाहे कितना भी नकार ले अम्मा जी, पर राधिका मेरी ऐसी बेटी है जिसके उपकारों का बदला
मैं इस जन्म में तो नहीं चुका पाऊंगी। घाट जा रही हूँ अम्मा जी, देव बाबू का मनोबल बढ़ाने। हम भी चलती हैं ये देखने के लिए कि इस वांग करके कैसन राधिका का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलत है। चल 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 राधे। भूर्भुवस्वः तत्सवितुः ओम श्री महागणपताय नमः स्वाहा। ओम मातृपितृचरण कमलभ्यो नमः स्वाहा। ओम कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम रामदेवताभ्यो नमः स्वाहा। देव बाबू, अब आप इन कलशों में जल भर कर लेकर आइए।
बैठ सकते हैं? Ridiculous. Serious? तुम्हें इस ड्रामे में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा? मेरा तो मन कर रहा है इस वक्त बेटिंग स्टार्ट कर दूं। क्या हो, ब्रेक काहे लगा दिया? क्या कहा था? 20 कदम भी नहीं चल पाएगा। ये तो रथ लेकर आगे निकल गया। Now what, चाचा जी? 3 दिन तक बिना खाए बिना पिए 5 मंदिर का परिक्रमा करना है। हाँ, दिल्ली अभी बहुत दूर है, यहाँ सब लोग जो हैं उसके जीतने की दुआ कर रहे हैं, तो हम तीनों मिलकर उनके हारने की बद्दुआ देते रहेंगे। और यानी तसल्ली से काम लो। आओ आओ। भुगत रहे हैं तो मैं उसकी बराबर की दोषी हूं मां। क्या मैं इस कष्ट से उभारने के लिए उनकी कोई भी मदद नहीं कर सकती? छोरी, तूने जो किया है उतना काफी ना है का? विशाखा का जीवन बर्बाद करके उसका सुहाग छीनने के बाद अब और कुछ करना बाकी है का? अम्मा, मैंने पूरी कोशिश की थी कि विशाखा का जीवन बर्बाद ना हो, लेकिन उसने उन्हें खुद ही छोड़ दिया। इसमें मेरा क्या दोष है अम्मा? बनाई ले, जितने बहाने बनाने हैं बनाई ले। एक बात याद रखियो छोरी, तुझे देव बाबू के साथ के जीवन में 50,000 रुपए खनावेंगे, क्योंकि देव बाबू के साथ रहना तेरे भाग में लिखा ही ना है। मैं नहीं जानती कि मेरे भाग में क्या लिखा है, लेकिन इतना मैं जरूर जानती हूँ कि उनके कष्ट बांटना मेरा धर्म है। जो कष्ट उन पर बीतेगा उसी कष्ट से मैं भी गुजरूंगी। सुख दुखानि सर्वाणि त्वया सह विभज्यते, यत्तत्त्वं वहं तत्र प्रथमेता ब्रवीरम्। कुटुंब रक्ष कार्यास्तामि अवान पुत्र हरिदम्। आप खुद को और मत थकाइए, अब आप आराम कीजिए। बिरजू, माँ जी को गाड़ी तक ले जाए। जी नहीं माँ जी, आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। अब क्या जरूरत है देव को इतना कष्ट देने की? ये सदियों पुरानी रूढ़ियाँ क्या निभाना इतना जरूरी है? कितने सारे जोड़े ऐसे हैं इस दुनिया में जो कि अलग होते हैं, और हमारा बेटा, हमारे बेटे ने ऐसा कौन सा पाप कर दिया? वो भी था जब उसकी पत्नी खुद उसे छोड़कर चली गई। नहीं माँ जी, मेरा मन करता है कि देव को मना कर दूं,
मना कर दूं, उसे कोई जरूरत नहीं है ये राज पुरोहित आचार संहिता मानने की। मैं समझ सकती हूँ बहू, मैं भी एक राज पुरोहित की माँ रह चुकी हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल पर अभी क्या बीत रही है, लेकिन बेटा देव एक राज पुरोहित होते हुए अगर इन नियमों का पालन नहीं करेगा तो वो तो अपनी ही नजरों में गिर जाएगा, और मैं अपने देव को जानती हूँ, वो खुद मिट जाएगा, लेकिन राज पुरोहित का नाम सम्मान मिटने नहीं देगा। पहले दिन की पूजा शुभ शुभ संपन्न हुई। दादी माँ, आज रात मुझे यहीं रुकना है, कल सुबह सूरज उगते ही मेरे दूसरे दिन की परिक्रमा शुरू हो जाएगी। मैं चाहता हूँ आप सब लोग यहाँ से घर जाएं और घर जाकर आराम करें। आप सब लोग यूं मेरे साथ कष्ट सहन कर रहे हैं। दादी माँ, मेरा व्रत निभाना और मुश्किल हो जा रहा है। प्लीज माँ, मेरी आपसे विनती है कि आप सब लोग घर जाएं। और राधिका, तुम भी पूरा दिन मेरे साथ चली हो, न तुमने कुछ खाया है नहीं पिया है, सूर्यास्त हो चुका है, मैंने पानी पी लिया है, तुम भी पी लो। नहीं, जब तक आपका व्रत पूर्ण नहीं होता मैं कुछ नहीं खाऊंगी। मैंने परसों सूर्यास्त तक निर्जला व्रत धारण किया है।
बाबूजी, आपसे एक विनती है। कहो बेटा। क्या मैं आज रात यहाँ रुककर इनकी देखभाल कर सकती हूँ? ठीक है बेटा, देव बाबू का ध्यान रखना। अच्छा बेटा, राधे राधे। तुम्हें ऐसे निर्जला व्रत नहीं रखना चाहिए, वो भी 3 दिन तक। अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो? नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। ना आपका प्रेम मुझे हार नहीं देगा और ना ही मेरा प्रेम आपको हार नहीं देगा। जिस प्रेम के लिए आप इतने कष्ट उठा सकते हैं, क्या उस प्रेम के लिए मैं ये निर्जला व्रत नहीं रख सकती? अब आप थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए, कल सूर्योदय से आपको फिर से यात्रा प्रारंभ करनी है। Wait. In fact, simply superb. दूसरा दिन भी बीत गया है चाचा जी। मुझे लगता है आपने देव को जो कच्चा खिलाड़ी समझने की भूल की थी ना, वो हम सब पर बहुत भारी पड़ने वाली। And what are we doing? इन सब के पीछे पीछे बड़ी कॉलर पद यात्रा कर। चिंता मत करो बड़ी बहू, हम भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में नहीं। अभी तो दूसरे दिन की पूजा खत्म हुई है ना, दूसरे दिन के सूर्यास्त और तीसरे दिन के सूर्योदय के दरमियान एक रात भी है।
और उस रात में कुछ भी हो सकता है।